है तो सबको दे रहा हूँ। शुक्रिया आप सबको जय हिंद। सब ज्यादातर हमारे वरिष्ठ साथी है, कुछ फेसबुक पे लखनऊ जी से आज मेरी मुलाकात हो रही है। साथियों आज कोई एकेडमिक बहस नहीं है कि मैं व्यवसाय से शिक्षक हूँ, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और लंबा बोलने की एक घंटा बोलने की आदत, लेकिन मुझे 10 ही मिनट कहना है। इसलिए मंच लाइन से कुछ मोटा मोटी बात जो मेरे एकेडमिक ट्रेनिंग से और जो मैं समाज में घूमता हूँ, जो सीखता हूँ, उससे जो समझ बन रही है वो आपके सामने रखूंगा और सिर्फ कम विषय वस्तु पे ही मैं फोकस करूंगा। मैंने कहा कि एकेडमिक बात नहीं, सिर्फ बहुत सारी बातें उसमें नहीं जाना। कल मैंने छोटा सा एक लेख लिखा था, संदर्भ समझने के लिए जरूरी है, इसमें एक मिनट उसमें बात करना चाहता हूँ। लिखा था ब्राह्मणवाद को समझे कैसे आखिर। तो मेरा एक समाजशास्त्रीय नजरिया ये था कि जब आप ब्राह्मणवाद कहते हैं तो ब्राह्मण को नहीं कहते हैं, और आपको इनकाउंटर करने के लिए कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि ब्राह्मणवाद में दो या तृतीय श्रेणी में होते हैं। लेकिन जब दलित को गाली जो सबसे ज्यादा पड़ती है वो चूड़े समाज गाली देना, मतलब तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग उसको जाति के संदर्भ में समझते हैं कि चूड़े और चमार को कहा जा रहा है। लेकिन हम इसको गौर से समझिए, यही खेल है, साजिश है कि जिसको आप जाति समझते हैं उसको गाली देने वाले वर्ण समझते हैं, वो दलित पिछड़े वर्ण सबके लिए वही गाली देते हैं। तो खेल तो यही है कि वर्ण और जाति का जो अंतर है हम लोग उसको जाति में समझते हैं, रूलिंग क्लास में है वो उसको वर्ग में समझता है और सबको एक समान रूप से वही गाली देता है। लेकिन हम लोग उसको जाति समझ के अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं कहा। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि वो जाति को नहीं वर्ण को बोला जा रहा है, उस दिन आपकी बहुत सारी समस्या ऐसी ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही गाली पड़ेगी हम लोग सब वहां इकट्ठे हो जाएंगे अपनी अपनी जाति पहचान और अस्मिता को छोड़कर। मैं कल रात में मुझे खबर मिली कि भाई लखनऊ में आग लगी है, तो मैं मेरे कुछ मित्र हैं वहां, मैंने कहा कि जरा जाकर आप वहां पे फोटो हमको भेजिए क्या स्थिति है। तो वहां गए, वहां मानवर कांशीराम इको पार्क बनी है, तो उसके पीछे गन्ने का कुछ खेत है और वहां से आग लगते लगते जहां तक मुझे अब तक पता है, अब कुछ फोटो मेरे आएंगे लेटेस्ट, कि शायद वो पार्क में भी आग लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह घटना हो, मैं उम्मीद करता हूं, साजिश भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है, लेकिन आशा ये करते हैं घटना ही। लेकिन देश में आज जिस तरह के हालात हैं उसमें ये घटना बार बार हो सकती है। अगर कांशीराम इको पार्क में अगर आज घटना संयोग बस लग रही है तो जगदेव प्रसाद जी के लिए यहां आग लगेगी, वो ललन सिंह यादव के यहां भी लगेगी, एक एक की बारी आएगी धीरे धीरे। हम लोग जो समझ रहे हैं, जिस तरह से कई बार मैं कहता हूं कि मुर्गा जब कटता है तो एक कटता रहता है, दूसरा दाना चुटता रहता है, लगता है कि मेरी बारी नहीं आएगी, तो धीरे करके जितने भी हमारे जो बहुजन नायक हैं, जो वैकल्पिक राजनीति और समाज की बात करते रहे हैं, धीरे करके करके सबके यहाँ ये आकस्मिक दुर्घटना होगी, ये बात उनको समझने की है कम से कम। अब रही बात करें क्या किया। साथियों ब्राह्मणवाद को जितना हम आलोचना करते हैं, जितना हम सोशल मीडिया में लिख के तमाम, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा उससे सीखने की जरूरत है, उसकी मोडस ऑपरेटिव को सीखने की जरूरत है। संघ परिवार 1925 में बनी है, 90 साल उनको लगे प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने। हम लोग 33 लाख संगठन बनाए हुए होंगे भारत में, शोषित दल, पीड़ित दल, कुपोषित दल, फलना संगठन, ज्योतिबा फुले संगठन, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे 33 लाख संगठन भारत में काम कर रहे हूँ। मैं कोई संगठन नहीं चलाता, जहां आप बुलाएंगे वहां पे हम लोग आज करेंगे। क्या ये सरकार की जो आत्मा है वो सरकार में है? नहीं, वो कहीं संगठन है, ऑक्सीजन कहीं और से आ रहा है। और जितनी जो घटनाएं हो रही है, जिग्नेश भाई बैठे हुए हैं, चाहे अन्नाथ में दलितों के बीच में डंडे पड़े हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे आग लगने की घटना है, चाहे रोहितपुर बुला है, चाहे मिर्जीपुर है, चाहे तमाम देश के आप नाम गिना लीजिए, मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया के हम लोग थोड़ा बहुत उसमें जानकारी ले पाते हैं। ये घटना नहीं है, ये संकेत है
कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर हमले और तेज होंगे, क्योंकि जो सिस्टम है जो खराब लग रहा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, बढ़िया सेव किए हुए, बढ़िया चश्मा लगाए हुए, इनको दर्द इसी बात। तो ये घटनाएं लगातार जो है ये बढ़ेंगी, क्योंकि जो मनोवृत्ति है ना, वो कहते हैं, वो जो कहते लोग कहते हैं आजकल मैं कहीं बैठा हुआ था, बोलिए मनु कहाँ है, अनु परमाणु की दुनिया में मनु कहाँ है, ये मनु वो मस्तिष्क में है, इधर है, वो सबके मस्तिष्क में संस्कार घर में पैदा होने के साथ ही यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है। तो नफरत करना सिखलाया जाता है, लोग समझते हैं कि आपको गंदा मैला कुचला रहना चाहिए, खाना जो है टूटे बर्तन में खाना चाहिए, ऐसे देखने को उनकी प्रवृत्ति है। इसलिए जैसे जैसे आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, जैसे जैसे कार के साइज बड़े होंगे, जैसे जैसे आपके कपड़े अच्छे होंगे, वैसे वैसे आपके बच्चे जब विश्वविद्यालयों में जो पूरा जो शॉर्टर शुरू हुआ है, क्यों हुआ है कि मैं पढ़ाता हूँ, जो 20 साल मैंने पढ़ा लिए, आपके बच्चे आ रहे हैं अंग्रेजी बोलने वाले आ रहे हैं, स्टाइलिश आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वो पेट में दर्द हो रहा है, ये भी अंग्रेजी बोल रहा है। उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। मैं सवाल करता हूँ, मेरे दोस्त सवाल करते हैं, हर जगह सवाल उठ रहे हैं। तो अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां जहां लोगों ने सवाल करना शुरू किया है, वही वही उनकी दमन और पिटाई ज्यादा तेज है। सहारनपुर में भी सवाल ही किया गया था, वो प्रशासन से सवाल किया गया था कि बगैर परमिशन के आपने क्यों चलाया और अब इनकार देखिए, अरे ये सवाल करेगा हमारे सामने। ये एटीट्यूड आपको समझना पड़ेगा कि क्या एटीट्यूड है। 25 साल से मैं दिल्ली में हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और जमीन पे भी कई बार घूमता रहता हूँ। अब यहाँ मीटिंग चल रही है, एक जगह और मीटिंग चल रही है दिल्ली में, 11 तारीख को पटना में मीटिंग है, और कई जगह जिग्नेश भाई हम लोग साथ में कई बार आते हैं। साथ ही आग्रह है, मैं अपने आप को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए, मैं शिक्षक हूँ, मेरे लिए काफी है। हम लोग अकेले अकेले जो महान बनने की प्रवृत्ति है ना, कि मैं ही कर दूंगा सब कुछ, सबसे सीखिए। कितने सैकड़ों में कई मेरे दोस्त हैं संग में, जो बगैर नाम लिए हुए, बगैर पहचान के अपने जेब से लाख रुपया खर्चा करते हैं और हवाई जहाज में घूम के अपने संगठन का प्रचार करते हैं। हम लोगों ने उनसे सीखा नहीं, हम लोगों ने खाली आलोचना की। मैं जहां भी जा रहा हूँ, अगर दिलीप भाई शायद आएंगे, दिलीप मंडल साहब दूसरे सत्र में, उनका सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त पकड़ है, लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर है। आज का एजेंडा अगर यही हम बना लें कि जितने संगठन काम कर रहे हैं, 33 लाख संगठन होंगे कम से कम, उसमें सब लोगों को कॉन्टेक्ट किया जाए, उनके नाम संगठन के नंबर लिए जाए और उनके अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी है उनको बुलाया जाए। अगर 1000 संगठन को भी हम लोग बुला लिए, बड़ी सभा रामलीला ग्राउंड में, चाहे कहीं बड़े हॉल में, स्टेडियम में कर लिए, परिसर हम लोग बना पाए, तो हम लोग आरएसएस के जैसे संगठन खड़ा करने में और उसको काउंटर करने में हम लोग सक्षम होंगे। अन्यथा अकेले अकेले सब लोग लग रहे, पीटेंगे पिटाएंगे, यही चलता रहेगा। तो बाबा साहब ने कहा था, संगठन में शक्ति है तो संगठन हम लोग छोटा छोटा बिखरे हुए हैं, इनको बनाइए, हम लोग काम करें, जहां बुलाइए हम दही बिछाने आएंगे। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दबाइए मिट्टी में, जब तक पीढ़ी एक पीढ़ी हमारी मिट्टी में नहीं जाएगी, जब तक नींव में नहीं जाएगी, तब तक हम लोग इज्जत और स्वाभिमान से हमारे आने वाली पीढ़ी कभी जी नहीं पाएगी। और चुनौतियां बहुत ज्यादा है, स्थिति गंभीर होती जा रही है, यकीन मानिए। और लोग कहते हैं, मैं एक जगह बोल रहा था, बोला कि शहर में कहां जाति पाती है, उनको पता ही नहीं लगता है। तो मैंने कहा, भाई साहब आप गलत है, ये जाति तो न शहर में रहती है, न गांव में रहती है, आपके खोपड़ी दिमाग में रहती है। आप मंगल पे भी जाएंगे तो लेके जाएंगे, अमेरिका में साइंटिस्ट भी बन जाएंगे तो यही लेके जाएंगे, मशीन मुंडल निकालेंगे तो सब कुछ गोद मोद लेके निकालते हैं। तो ये मुझे रहने दीजिए, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। तो ये लोग अब कह रहे हैं जाति की खत्म होना, जाति कैसे खत्म होगी, नहीं खत्म हो सकती है, जानना है, जातियां रहेंगी दुनिया में, चाइना में, दुनिया तमाम जगहों के विभिन्न समुदाय विभिन्न वर्ग रहे हैं। ये आप माने, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं जाति नहीं मानता, मेरी जाति खत्म हो गई, लेकिन मेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है, वो जो सिस्टम में बैठी उनकी जाति तो मैं, मुझे तो वही मानेगा। हमारे पास चुनौती जो है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विभिन्न जातियां किन शर्तों पे समाज में रहेगी, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। कि बराबरी के साथ रहेगी, समानता के साथ रहेगी, आंख में आंख मिला के बात करने के तरीके से रहेगी, कि डर के, सहम के, अपमान के साथ रहेगी, ये है मुख्य चुनौती। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनकी अपनी समझ है, वो खत्म करते रहे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये खत्म होने वाली है, बिकॉज
वर्ग आप बदल सकते हैं, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जातीय पहचान ये जन्मना है, जन्म के साथ ही गर्भ धारण के साथ और देहावसान तक वो बनी रहती है। तो हमारी लड़ाई का मुख्य एजेंडा होना चाहिए किन शर्तों पे हम रहेंगे समाज में, ये है समानता के आधार पर। दूसरी बात मैं दो मिनट शायद मेरे पास में यही सिखाना चाहता हूँ कि अब अगर हम संगठन बना भी लेते हैं बड़े स्तर पे, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मदन साहब हमारे सीनियर हैं और काफी उनका योगदान है कि ये एजेंडा पे एक रखा जाए कि सोशल मीडिया का मतलब जितने संगठन है भारत में उनको एक परिसंघ बनाए, उनको लाए। दूसरा जो चुनौती है राजनीतिक प्रश्न कि हमारी लड़ाई सिर्फ सामाजिक ही नहीं राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल राजनीति है, कि वर्तमान में जो पार्टियां हैं तथा कथित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली क्या हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। ये सवाल हमको अपने नेताओं से, अपने राजनीतिक दलों से ये पूछना चाहिए। अगर वो सक्षम है तो फिर मुझे क्या कहना है, लेकिन जो स्थितियां मैं देख रहा हूं, रोहित बुमरा के केस में हम लोग काफी आंदोलन थे, मैंने किताब भी लिखी 2 महीने के अंदर, जितने मैंने लेख लिखे और जितने मैंने बोले और कितने रोहित नाम से कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, समय से छवि कि रोहित बुमरा से लेकर तमाम जो घटनाएं देखिए, या फिर पिछले 35 साल में 2,83,000 करोड़ रुपए SC ST कल्याणार्थ वापस हो गए हैं और जो खर्च हुए वो दिखा नहीं, कहां लूट हुई, कौन खाया हम जानते नहीं। तो इतने जब हो रहे हैं और 130 हमारे सांसद बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, अगर वो मुंह पे दही जमा के बैठे हुए तो मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि आने वाली पीढ़ी से हम एक राजनेताओं की, एक भविष्य के नेताओं की एक पूरा दस्ता तैयार करें वैसे दलित आदिवासी और पिछड़ों की, जो संसद या विधानसभा में जाए तो सिर्फ हाथ उठाने मुंह फुकवाने का प्रयास होता है, मुंह मुंह में दही जमा कर बैठता है, हाथ उठाने नहीं जाए, वो विभिन्न मुद्दों पर बहस करे, वो TA वाला नेता नहीं हो। और उसके लिए मुझे लगता है हमको हमारी पीढ़ी तक को भी मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तब हमारे वैसे लोग आएंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर की परंपरा जो पढ़ लिख के, इकोनॉमिक्स पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के संसद और विधानसभा में जाए और सवाल करें और बोले। ये हमारे पास दो चुनौतियां अभी फिलहाल है, एक तो हमें तैयार करना है कि क्या हम कन्फेडरेशन बना सकते हैं जितने सारे संगठन लाखों लाख संख्या में, दूसरा ये राजनीतिक प्रश्न है अगर हमारे नेता अगर नहीं कर रहे तो कन्फेडरेशन बना के सारे नेताओं के पास चले जिन्हें बढ़िया आइडिया था कि ग्लूकोन जी एक बिस्लेरी का पानी एक गिलास लेके जाएंगे, भाई कमजोर हो गए वो तो जरा सा ये ग्लूकोन पियो, मुंह भी खोल लो थोड़ा कभी कभी, और नहीं तो आने वाले गुजरात में चुनाव है, 19वें लोकसभा चुनाव होंगे, 30वें बिहार में चुनाव होगा, कई प्रदेशों में चुनाव होगा, और हम लोग मेरे व्यक्तिगत मान्यता की कोशिश है कि एक नया राजनीतिक विकल्प भी हम लोग पेश करें, नहीं तो इन राजनेताओं ने मुझे बंधुआ मजदूर समझ लिया है, चाहे जो भी नेता हो। सहारनपुर के मसले में 1 महीना हमने लिखा और उसपे कितने नेता गए और जो गए वो ऐसा भाषण दिए वहां पे जैसे लगा कि बच्चों का क्रिकेट मैच में झगड़ा हो गया है और आए हैं पंचायत करना है, भैया भैया ये बताओ, अरे भाई अगर सर्जन है तो आपको ये बताना पड़ेगा हमारे लोगों को, बहुजन को, कि आपके राजनीतिक शत्रु कौन है, नहीं कि आप बहुजन जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है हमको, फिर हमको लगता है कि काशीराम जी को एक बार पढ़ने की और समझने की जरूरत है, अम्बेडकर को पढ़ने और समझने की जरूरत है। हम जैसे लोगों का काम यह है कि आप मुझे ये काम छोड़ दीजिए, भाई रतन ऐसा है तेरा काम है दिन भर पढ़ना और पढ़ के बताना कहाँ कहाँ लिखा, मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान काम ये होगा क्योंकि थोड़ा कठिन भी है, पढ़ना कठिन होता है, लेकिन हम लोग को एक दस्ता ऐसा बनाना चाहिए जो रिसर्चर का दस्ता हो, जो पढ़े और मटेरियल सप्लाई करे, वो काम हम जैसे लोग हैं सोसाइटी क्या करेंगे, यही करेंगे कि आप लोगों से हम पढ़ के बता सके। तो ये सब चुनौतियां आप सब ज्यादातर बुजुर्ग यहाँ पे हैं, हमारे छोटे मतलब जूनियर साथी भी हैं, हमारे मम्मी भी हैं, ज्यादा अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन इतना मैंने समझा है तो आपके साथ सामने मैंने रखा। मैं बिहार में यहाँ से जाकर एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव में लड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव में, और इसलिए मैं लड़ा था, मैं ज्यादा था कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से आगे गए थे वो तालाब में उधर पानी का था, इसलिए जमीन की रियलिटी हकीकत कैसे हम गांव में जब तक जाएंगे नहीं, लोगों के बीच जाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, तो हम सीखेंगे कैसे, हमको प्राइमरी का मतलब फर्स्ट टच फीलिंग होती है जमीन की वो कैसे आएगी। तो ये सब सारी बातें हैं, बाकी आप चर्चा होगी विस्तार से, और यही बात मैं जो आपके सामने कह रहा हूँ, मैं जहां भी जा रहा हूँ ये बात कह रहा हूँ लोगों के बीच, साथियों ये महत्वाकांक्षाएं और ईग
ईगो और तमाम बातें इसको मिट्टी में मिलाइए, और जब हम सब मिट्टी में मिलेंगे तभी खाद बनेंगे, और जब खाद बनेंगे तो हमारी फसल जो है ना वो ज्यादा पट आएगी। शुक्रिया साथियों, जय हिंद।